हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन एसपी दिया है। 17 में एसपी कितना है हमारा, एसपी दिया है हमें इन्होंने 7350। ठीक है, गेन दिया है, बट गेन किस तरह से दिया है, 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। गेन दिया है 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस, 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है नहीं, इतना परसेंटेज है ना, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को सीपी को मान लेंगे, तो सीपी को मान लेंगे यहाँ पर एक्स। सीपी क्या हो गया, एक्स। तो गेन कितना हो गया, गेन हो गया हमारा 1/6 ऑफ सीपी, यानी कि सीपी एक्स है, तो एक्स अपॉन 6 क्या हो गया, गेन हो गया। सीपी भी है, गेन भी है, तो एसपी निकाल सकते हैं हम। एसपी क्या होगा हमारा, एस प्लस एक्स अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 6x प्लस एक्स अपॉन 6, यानी कि 7x अपॉन 6। ठीक है, आई बात समझ में। गेन की रेशियो दी थी इसने 1/6, ठीक है। सीपी हमने मान लिया एक्स, तो उसी से गेन निकल गया। गेन क्या है, 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। पीछे क्वेश्चन किए थे हमने फ्रैक्शन वाले में, ठीक है, 1/6 ऑफ 1 लीटर किए थे ना वे, उसी तरह का क्वेश्चन है, 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये आ जाएगा 1/6 ऑफ एक्स, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई 6/6। अब मैंने गेन को और सीपी को दोनों को जोड़ दिया, तो क्या आ गया, एसपी। अब एसपी हमारे पास है, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे, 7x/6 = 7350। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 7350 मल्टीप्लाई 6/7। ठीक है, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 7 = 7050। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आता है 0/6, 6/63। सौ उसका क्या था, सीपी था, और सीपी हमें बताना था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन पता है कैसा है, 18 क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा था, मनोज परचेज। क्वेश्चन नंबर 9 में मनोज के ही दे दिए थे, किसके दे दिए थे, मनोज के ही दे दिए थे। इसमें क्या किया, उसमें तो सबसे पहले वाले के दे दिए थे, सबसे पहले वाले ने कितने का खरीदा। ठीक है, इसमें क्या कहा, इसमें सबसे लास्ट वाले के दिए, सबसे लास्ट वाले ने इतने में खरीदा। ठीक है, चलो, मोहित सोल्ड ए वॉच टू करीम एट अ गेन ऑफ 10% एंड करीम सोल्ड द राहुल एट अ गेन ऑफ 4%। इफ रहीम पे 14,300 फॉर इट, फॉर हाउ मच डिड ही मोहित परचेज, मोहित का बताना है। उसमें पहले का दे के लास्ट वाले का पूछा था, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें लास्ट वाले के दे के पहले वाले का पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मोहित ने करीम को बेची, करीम ने रहीम को बेची, और रहीम ने कितने पे किए, 14,300 रुपीज़ उसने पे किए। ठीक है, अब ध्यान रखना भाई, ध्यान से सुनना, देखो बात, अब इसको हमें क्वेश्चन को उल्टा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 किसकी है हमारे पास, उसी की लिख लेते हैं, रहीम पेज। रहीम कितने पे करता है, 14,300, तो ये सीपी हो गया रहीम का। ठीक है, रहीम ने किससे खरीदी, मोहित ने करीम को बेची, करीम ने रहीम को बेची, तो रहीम ने किससे खरीदी, करीम से। क्या है, मोहित ने बेची किसे, करीम को, और करीम ने बेची किसे, रहीम को। ठीक है, रहीम ने खरीदी करीम से, तो करीम ने कितने की बेची, जितने की रहीम ने खरीदी, तो करीम का एसपी होगा रहीम के सीपी के, जितने में करीम ने बेची उतने की में ही तो रहीम ने खरीदी, रहीम ने 14,300 की खरीदी किससे, करीम से, है ना, तो करीम का एसपी क्या हो गया, करीम एसपी कितना हो गया, 14,300, क्योंकि करीम ने रहीम को बेची, है ना, करीम का एसपी कितना हो गया, 14,300। ठीक है, करीम ने कितना गेन लिया, 4% गेन लिया इसने, 4%। यहाँ पे एस पी एम आर पे और गेन परसेंट है, तो सी पी निकाल सकते हैं हम। इसने करीम ने खरीदी कितने की थी, ठीक है, 100/, हमें ये तो पता चल गया करीम ने कितने की बेची, ये तो नहीं पता करीम ने खरीदी कितने की, हमें तो रहीम का पता है, रहीम ने किससे खरीदी, करीम से,
ठीक है, करीम ने बेची कितने की, 14,300 की, रहीम को, रहीम ने 14,300 की खरीदी, ठीक है, मैंने तुम्हें बेची 500 की, तो मेरा तो एसपी हो गया, तुम्हारा सीपी हो गया, है ना। ऐसे ही करीम ने रहीम को बेची, तो करीम का क्या हो गया एसपी, कितने परसेंट गेन पे, 4% गेन पे, तो गेन का क्या होता है 4 एसपी, एसपी क्या है इसका 14,300। सॉल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो जगह बचा लेंगे, 100/100 मल्टीप्लाई 14,300, ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 52, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया 25 और ये आ जाएगा 26, ठीक है 26, 13 से डिवाइड करते हैं, 13 टू जा, देखो 13 वन जा 11, ठीक है 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 550, ठीक है, तो 13,750 रुपए की किसने खरीदी थी, करीम ने खरीदी थी, किससे, मोहित से, तो मोहित का एसपी क्या हो गया, इसने किससे खरीदी थी, मोहित से, मोहित का इसने जितने खरीदी उतने की मोहित ने बेची, तो मोहित का एसपी क्या हुआ 13,750 रुपए, इसने गेन कितना लिया, इसने गेन लिया 10%। अब एसपी भी है गेन भी है, सीपी निकालना है, मोहित ने कितनी खरीदी थी, अब मोहित का सीपी नहीं, मोहित का एसपी भी है, मोहित का गेन भी है हमारे पास, मोहित का सीपी निकालना है, तो मोहित सीपी वही फॉर्मूला, 100/100+10 ठीक है, तो जोड़ लेते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं 100/110 × 13,750, ठीक है, इससे ही कट हो जाएगा, 13 से डिवाइड करते हैं, 13 1 जा 13, 11 1 जा 11, 2 बचे 11, 2 जा 22, 5 बचे 11, 5 जा 55, 0 आ जाएगा 1250, तो 12,500 रुपए की क्या कहा था, मोहित ने खरीदी थी, और इसने हमसे क्या पूछा, फॉर हाउ मच डिड मोहित परचेज इट, 12,500 की खरीदी थी मोहित ने, ठीक है, हो गया, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होलसेलर 15% एंड द रिटेलर 25%, देन व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस इज 37,950। मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होलसेलर डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%, द प्रोडक्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस इज 37,950। रिटेलर जो बेचता है वो 37,950 रुपए की बेचता है, रिटेलर का एसपी दिया है यहाँ पे हमें, क्या दिया है, रिटेलर का एसपी दिया है, रिटेलर की हमारे पास परसेंटेज भी है, उससे हम रिटेलर का सीपी निकालेंगे, रिटेलर का सीपी क्या होगा, होलसेलर के एसपी के बराबर होगा, होलसेलर के एसपी भी आ जाएगा हमारे पास, होलसेलर के एसपी से 15% लगाकर होलसेलर का सीपी निकालेंगे, होलसेलर का सीपी क्या होगा, मैन्युफैक्चरर का एसपी होगा, मैन्युफैक्चरर के एसपी में उसका गेन जोड़कर, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, इसमें रहीम, करीम और मोहित है, उसमें क्या है, रिटेलर, रिटेलर का एसपी, ठीक है, रिटेलर का एसपी दिया है, रिटेलर का सीपी निकालेंगे, रहीम पे, रहीम का यहाँ पे सीपी दिया था, वहाँ पे रहीम का ही एसपी दिया है, रिटेलर का एसपी दिया है, रिटेलर का गेन दिया है, उससे इसमें तो 2 बार हुआ, उसमें होगा 3 बार, ठीक है, याद रखना है ये और क्वेश्चन को करना है, ठीक है। मिस्टर मेहता परचेज ए वीडियो फॉर 20,000 एंड टेलीविजन 30,000, ऑन द वीडियो ही लॉस्ट 5% एंड ऑन द टेलीविजन ही गेन 8%, फाइंड हीज गेन और लॉस परसेंट, ये क्वेश्चन है आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 20 है
पंकज वाज 16 की तरह, देखो 20 आपको अपना आप करना है, 19 मैं ही करा देता हूँ आपको। 20 में दो तरह से होगा, दो बार होगा, एक तो उसने ख़रीदा कितने का मोहित, परचेज 20,000 का परचेज, वीडियो, वीडियो मतलब एक तरह का वीडियो कैसेट लगती थी उसमें, एक वो आता था जैसे सीडी प्लेयर आते थे ना, उसको वीडियो बोलते थे, ठीक है। 20,000 रुपये का वो ख़रीदा उसने, एक चीज़ खरीदी 20,000 की, एक 30,000 की। एक पे उसे क्या हुआ, गेन हुआ, और एक पे उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ, एक पे तो गेन हुआ और एक पे क्या हुआ, उसे लॉस हुआ, ठीक है। दोनों का गेन निकालेंगे, दोनों का लॉस निकालेंगे, ठीक है। टोटल सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 20,000 और 30,000, 50,000 रुपये, ठीक है। दोनों का एसपी निकालेंगे, टोटल सीपी ले लेंगे, टोटल एसपी ले लेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, ठीक है। जो भी डिफरेंस होगा उसकी परसेंटेज निकाल देंगे, जैसे पंकज वाले में किया था बिल्कुल ऐसे ही। 19 क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। इसने कहा है इफ़ द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होलसेलर डीलर 15%, ठीक है, रिटेलर 25%, देन वॉट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस इज 37,950। रिटेलर का एसपी दिया है भाई इन्होंने, देखो इसमें कैसे कैसे है, इसमें मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, और रिटेलर का भी एसपी दिया है हमें, रिटेलर जितने की बेचता है, ठीक है, यानी कि ग्राहक, कस्टमर, कस्टमर का सीपी दिया है इन्होंने, ठीक है। चलो तो एसपी कितना है, रिटेलर एसपी, आरएसपी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आरएसपी, रिटेलर का एसपी कितना है, रिटेलर का एसपी 37,950। रिटेलर का गेन कितना है, 25%, ठीक है, कितना है 25%। चलो सीपी निकालते हैं, आर सीपी, रिटेलर का सीपी 100/100 प्लस 25, सब गेन है तो प्लस होगा, इंटू 37,950, ये आ जाएगा 100/125 इंटू 37,950, ठीक है। तो 4 और ये आ जाएगा 5 से कट करते हैं इसको, 5 7 जा 35, 2 बचा 5 5 जा 25, 5 9 जा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, ये आ जाएगा 400 4 9 जा 36, 3 4 5 जा 20 और 3 23, 2 4 7 जा 28 और 2 30, ठीक है। ये क्या आया, रिटेलर का सीपी। तो होलसेलर का सीपी क्या होगा, देखो होलसेलर सीपी, सीपी वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, 100/100 + 15, ठीक है, इनटू एसपी, किसका एसपी, इसका एसपी, होलसेलर का एसपी क्या होगा, अगर होलसेलर का एसपी देगा जो रिटेलर का सीपी होगा, तो ये आ जाएगा 30,360 रुपये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100/115 इंटू 30,360, ठीक है, इसको कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आएगा 23। अब मैं अगर इसे 23 से कट करूँ, 1 क्या बचेगा, 73, 3, ठीक है, 9 4 46, यानी कि 2, ठीक है। तो ये आ जाए 26,000, हाँ लिख लेता हूँ 26,000 400, ठीक है। ये क्या आया इसका, सीपी आ गया, होलसेलर का सीपी, रिटेलर का सीपी निकालते हैं। चलो रिटेलर का सीपी 100/100 + 10 इंटू एसपी, एसपी किसका, रिटेलर का, रिटेलर का एसपी क्या होगा, जो होलसेलर का सीपी आया था 26,400। तो ये आ जाएगा हमारा 100/110 इंटू 400 से कट हो जाएगा, इस 2400, तो आ जाएगा 24,000 रुपये, यहाँ लिख लेते हैं 24,000 रुपये, ठीक है। तो 24,000 रुपये उसका क्या हो जाएगा, रिटेलर का सीपी हो जाएगा, ठीक है। 20 आपको अपने आप करना है, 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, देखो 21 ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन। उसने 36 ओरेंजेस बेचे और उसे लॉस बताया कितना हुआ,
4 ऑरेंजेस के एसपी के बराबर लॉस हुआ, ठीक है। 36 ऑरेंज बेचे और 4 ऑरेंज के एसपी के बराबर उसे लॉस हुआ, ठीक है। कितने बेचे? 36 ऑरेंज बेचे। अब 36 ऑरेंज बेचने पे उसे 4 ऑरेंज के बेचने के बराबर लॉस हुआ, ठीक है। तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लिया। एक ऑरेंज का एसपी 1, 36 ऑरेंज का एसपी 36, 4 ऑरेंज का एसपी 4। अब उसने बेचे कितने? 36 बेचे, 36 कितने के बेचे? 36 रुपीज के, है ना। 36 कितने के बेचे? 36 रुपीज के। तो एसपी तो हो गया उसका 36, ठीक है। लॉस कितना हुआ? 4 के बराबर, यानी कि 4 रुपये उसे लॉस हुआ। अब हमारे पास एसपी भी है और लॉस भी है, तो सीपी नहीं निकाल सकते। सीपी कितना हो जाएगा? 36 प्लस 4। आप सोच रहे हो यहाँ पे प्लस क्यों किया? जो गेन है ना, सीपी प्लस गेन, सीपी माइनस लॉस, बट एसपी में उल्टा होता है बिल्कुल। गेन एसपी में से माइनस होता है और लॉस एसपी में प्लस होता है। 36 के बेचे उसने, 4 रुपए का उसे लॉस हुआ, तो सीपी हमारी ज़्यादा थी या कम थी? जब लॉस होता है तो सीपी ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा में खरीदी होती है ना, इसलिए प्लस होता है लॉस। बट जब गेन होता है तो सीपी हमारी कम होती है, एसपी ज़्यादा होता है जब हम ज़्यादा में बेचते हैं, ठीक है। तो सीपी हो गई हमारी 40। उसने गेन और लॉस परसेंट पूछा है हमारा, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? लॉस कितना है? लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, ठीक है। तो लॉस कितना है हमारा? 4 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100। सीपी कितना है हमारा? सीपी है यहाँ पर हमारा 40 रुपीज़। तो 4 से यहाँ जाएगा 10, 10 से इसे कट करेंगे क्या जाएगा? 4 से 10 आया, 10 से 100 को कट करें, 10% उसे कितना हुआ? 10% लॉस हुआ उसे, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर, उसने क्या, बाय सेलिंग 8 दर्जन पेंसिल एज शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 दर्जन पेंसिल। 8 दर्जन बेचने पे उसे 1 दर्जन के बराबर क्या हुआ? गेन हुआ। तो 8 दर्जन कितने की हो गई? 8 दर्जन मान लिया 1 दर्जन एसपी इक्वल टू 1, 8 दर्जन एसपी इक्वल टू 8 रुपीज, ठीक है। 8 दर्जन बेची उसने 8 रुपए की, तो 8 रुपए तो उसका एसपी हो गया, और उन्हें 8 को बेचने पे उसे 1 रुपए का गेन हुआ 1 दर्जन के बराबर। तो गेन कितना हो गया उसका? 1 रुपए। तो सीपी क्या हो गया यहाँ पर? गेन में सीपी क्या होता है? एसपी से छोटा होता है, बड़ा होता है? छोटा होता है, ठीक है। खरीदी की कम की उसने जब गेन हुआ उसे, तो 8 माइनस 1 यानी कि 7 रुपीस की उसने खरीदी थी, 8 रुपीस की उसने बेची। कितने की बेची? 8 रुपए की। 8 रुपए में बेचने पे उसे गेन हो रहा है, तो सीपी कम रहा होगा, तो सीपी कितना है? 7 रुपीस, ठीक है। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, गेन परसेंट। 1 रुपीस का उसे गेन हुआ मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी कितना है? 7। तो 7 से अगर मैं 100 को डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा? 7 वन जो 7, 4 7 5 जो 35, 5 अपॉन 7%, ठीक है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 11th ए, ठीक है। 11th ए क्या थी? 11th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 12th चैप्टर, ठीक है।